ओके सो हे है वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सो गज़ कैसे हैं आप सभी आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे so, guys, तो क्या आज का जो हमारा कंसेप्ट है वीडियो का टाइटल थे देख के आप समझ ही गए होंगे तो so, क्या इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पीन जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा तो आप इजीली वीडियो देखने वाले जाकर डाउनलोड कर सकते हो सो so, कस वीडियो जो है हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो चले गए की इस नई वीडियो हम बने सिर के स्टार्ट कर लेते हैं सो गाइस सबसे पहले आप सभी हो करना है guys, आप सभी उस बैग बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है देन उसके बाद जाइए गाइस आप सभी को चले जाना है एड फोटोमेंट यहाँ से गाइस आप सभी को अपने एक मॉडल को ऐड करना है एंड गाइस यहाँ पे मैं पहले आप सभी को बता बताऊँ आप सभी को जो है यहाँ पे दो मॉडल की जरूरत पड़ेगी तो आपको दो फोटो क्लिक करवा लेनी है ठीक है एंड जो गाइस पहला मॉडल होगा गाइस आपको कुछ स्टेप से ऐसे लगा देना है ठीक है दोनों पोज आप जैसे मर्जी चाहो वैसा कर सकते हो आपकी मर्जी है दैन उसके बाद गज आपको यहाँ पे मॉडल को लगाने के बाद इसमें थोड़े से जो इसमें है इसमें चेंजेस करने हैं वो क्या करना है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ तो पहले तो मैं थो इसमें थोड़ा सा इरेज़ कर लेता हूँ ठीक है थोड़ा सा एरिया रह तो गया बैकग्राउंड इरेज के तब तो इसको यहाँ पे गज क्या करना है आप सभी को चेंजेस क्या करने काज यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा पीछे की तरह स्पेस छोड़ना है क्योंकि यार अभी ना यहाँ पे एक शेडो भी बनानी है हमें एंड उसके बाद यहाँ पे हमें जो है एरो का पी भी लगाना है तो पहले तो हम यहाँ पे शेडो बना लेते हैं गज ठीक है तो पहले हम मॉडल वहाँ पे रख लेते हैं एंड ये वाला शडो के लिए आपको ये वाला पी लेना है ठीक है एंड इसको गाइस इसको जिस टाइप्स आपको अपने पूरे बॉडी के पास यहाँ पे रख देना है डिजेटल में जाना है इस कन्वर्ट कर देना है ब्रश को लेना है साइज को बढ़ा कर देना है यहाँ पे एंड हार्डनेस को थोड़ा कम कर देना है एंड उसके बाद आपको करना है फोटो को जूम करना है एंड उसके बाद गए यहाँ पे आपको कुछ ऐसे पेंट करना है ठीक है कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पे और एक थोड़ा सा यहाँ पे भी कर लेते हैं ठीक है, है? फिर शायडो को बनाने के बाद आपको डिडर के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर जाना है एंड इसके बाद मूव डाउन कर देना है एंड इसकी ऑपोजिट यहाँ पे कम कर देना है आपकी शायडो यहाँ पे बन तैयार हो जाएगी ठीक है गाइस इतना कर देने के बाद गज यहाँ पे अभी आपको डन नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे अभी एक पी लेना है लेना आपको एरो का तो यहाँ पर हम चलते हैं ऐड फोटो में एंड एस इस पी को ले लेते हैं एंड यहाँ पे ऐड करते हैं एंड इसको यहाँ पे हमें थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा तो इसको हमें कुछ इस टाइप से ऐसे रख देते हैं एंड इसको मूव डाउन कर देते हैं ठीक तो है तो हमें परफेक्ट है गाइज ठीक है तो यहाँ पर देखिए ये भी हमारा इज़िली बन चुका है तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है ये गाइज जो मतलब आपको जो दूसरे पास जो यहाँ पर फर्स्ट मॉडल होगा ना उसके पास आपको सिर्फ एक ही एरो बनाना है ठीक है एक ही एरो लगाना है उसके पास और ज़्यादा नहीं लगाना है फिर यहाँ पर हम इसको कह देते हैं डन अब गैज आपको क्या करना है अब यहाँ पे आप बारी आती है हमारे दूसरे मॉडल की जहाँ से एड फोटो हम दूसरे मॉडल के ले लेते हैं एंड यहाँ पे हम दूसरे मॉडल को गाइज कुछ इस टाइप से ऐसे रखेंगे एंड गैज आप बारी आती है हमारे इसके ऊपर शेडो बनाने की तो हमें शेडो कैसे बनानी है वो भी गाइज सेम साइज सेम मेथड है वैसे जैसे आपको मैंने अभी इस बार दूसरे वाले मॉडल में जो बताया था सेम उसमें वैसे करना आपको आप कुछ पेंजी लेना है एंड साइज को बड़ा कर देना कुछ एंड रेजर छोट जाकर इन्वर्ट कर देना है एंड इसके बाद आपको साइज को जो है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो तो यहाँ पे थोड़ा साइज छोटा है तो इसको यहाँ पे हमें साइज को बड़ा करना पड़ेगा तो हम साइज़ बड़ा कर लेते हैं एंड उसके बाद यहाँ ब्रश सेलेक्ट एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐसे पेंट कर देंगे एंड उसके बाद क्या करना आप सभी को यहाँ पे आपको डन वाला ऑप्शन पे जाना है एंड उसके बाद रि रि के ऊपर जो ऑप्शन है उस पर जाकर मूव डाउन कर देना है एंड उसका बाद कम कर लेना है एंड उसके बाद यहाँ पे जो हमारी शेड पूरी परफेक्ट नहीं बनी है क्या अभी हम इसमें थोड़ा सा रेस करना पड़ेगा तो टूल में जाएंगे थोड़ा ऊपर से यहाँ पर रेस कर लेंगे एंड थोड़ा से नीचे की तरफ से ठीक है जी तो अब यहाँ पे गज एकदम परफेक्ट तरीके से एकदम बन चुका है शेडो तो यहाँ पे गज देखिए अब आप सीख क्या करना है यहाँ पे अब इसके अभी भी यहाँ पे डन नहीं करना है क्योंकि हमें अभी ओ सॉरी एरो का इंजी लगाना है तो साइड फोटो में जाएंगे एरो का इंजी ले लेंगे एंड गज यहाँ पे जो आपको कम से कम तीन कम से कम चार पाँच बार यहाँ पे एरो लगाना पड़ेगा तो और गई सबका साइज़ जो है अलग अलग होना चाहिए ठीक है सेम साइज़ नहीं रखना आपको एंड साइज जो है सबके तो यहाँ पर डुप्लीकेट कर करके आपको यूज़ करना है तो ये जैसे कि यहाँ पे हो गया इसके साइज हम छोटा करेंगे एंड से मूव डाउन कर देंगे देन इसका डुप्लीकेट करेंगे एंड इसका साइज कुछ इस टाइप से रख लेंगे इतना ठीक है तो एंड इसके इसको हम इतना रख लेते हैं एंड गज सबको टेढ़ा मेढ़ा करके लगाना है आपको ठीक है एंड सेम एक जैसा मत लगाना नहीं तो अलग लगेगा तो आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगाना है क्योंकि लगना चाहिए ना कि कहीं से उड़ उड़ के आ रहा है तो लग रहा है एकदम है ना ऐसा दिखना चाहिए तो यहाँ पे ये भी हो गया तो सेम इसको भी हम मूव डाउन कर देंगे देन इसके बाद हम इसके एक लास्ट डुप्लीकेट करेंगे इसका एंड इसके बाद हम इसको कुछ इस टाइप से ऐसे यूँ लगा देंगे ठीक है तो ऐसे लगा देंगे एंड इसको कर देंगे मूव डाउन एंड गज यहाँ पे देखिए परफेक्ट है अब यहाँ पर गज इसको हम डन करते हैं ठीक है डन कर दिया अब गैस हमारा इतना काम तो यहाँ पे हो चुका है ठीक है तो अब हमारा कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी हम, हम इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेते हैं ठीक है एंड सेव करने के बाद इसको लेकर चलेंगे यहाँ से लाइट और मैप में क्योंकि जो अभी रिटचिंग वगैरह होगी हमारी वहीं होगी तो उसको ओपन करने के बाद आपको जाना है स्लाइट वाला ऑप्शन है इसका कॉन्ट्रास्ट जो होगा जब आपको उसको थोड़ा बढ़ा देना है एंड जो हाईलाइट होगा इसको थोड़ा सा कम कर देना है एंड जो शेडो होगा इसको भी थोड़ा सा कम कर देना है एंड उसके बाद ब्लैक को थोड़ा कम कर देना है एंड जो वाइट होगा उसको थोड़ा सा इसको माइनस में रख देना है सिक्स तक फिर जाना कलर्स वाला ऑप्शन है वाइब्रेशन को बढ़ा देना है एंड उसका टेम्परेचर होगा उसका हल्का सा माइनस कर देना है सिक्स था राउंड एंड उसके बाद मिक्स टूल में जाना है और कलर को सेलेक्ट करना इसका से सचुरेशन माइनस कर देना एंड जो लूमिनस होगा चाहो तो बढ़ा देना अपने फेस के अकॉर्डिंग फिर डार्क ग्लू में जाना इसका यू आप चेंज कर सकते हो ठीक है एंड इसका सचुरेशन हम इसका थोड़ा सा बढ़ा देंगे एंड उसके बाद यहाँ पे डन देंग कर देंगे दैन उसके बाद जाएंगे हम नीचे वाले टूल में फोटो की जगह इस क्लियरिटी होगी आपको उसको बढ़ा देना है एंड जो फोटो में विकनेट होगा वो हल्का सा डाल देना है दैन उसके बाद आपको नीचे ग्रेन अमाउंट मिलेगा आपको उसको बढ़ा देना है दिन इसके बाद चले जाना है आपको नीचा ले टूल में फोटो की जो शार्प म्यूजिक आपको उसको बढ़ा देना है एंड जो कैसे नोडोक्शन होगा आपको उसको बढ़ा देना है एंड जो नीचे लास्ट कलर नोडक्शन है आपको उसको भी बढ़ा देना है तो कैसे फाइनल जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने तो ऐसा करता है और आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइन को प्रेस कर लेना तो चलेगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए गुड बाय